वो डेफिनेशन होती है, पहले मेंशन होती है वहां बात कि फंक्शन है इंडिफरेंशिएबल। देखो एफ एक्स मोड एक्स है, इंटरवल आपका माइनस वन टू टू, कंटिन्यूअस है लेकिन कंटिन्यूअस है लेकिन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फेल है यहाँ पर। लेकिन इसका मैक्सिमम मिलता है, तो मैक्सिमम मिलता है टू पे मिलता है, टू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है टू ग्लोबल जीरो तो हर जगह होता है नॉन डिफरेंशिएबल, जीरो ही हो गया जब वो जीरो हर जगह जीरो देगा। अब जीरो पे कॉर्नर बनेगा क्या, जीरो फंक्शन इसमें है क्योंकि अब एक फंक्शन नहीं है जो वन बाय टू में मैक्सिमम दे रहा है, ये बहुत सारे फंक्शन की कलेक्शन है सेकंड में, वो सारे फंक्शन है जिनकी डोमेन जीरो वन है, कोर डोमेन जीरो वन है और लोकल मैक्सिमा दे रहा है हाफ पॉइंट। वो जवाब जीरो होगा इसके पास, जीरो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ना सर, तो अगर लेंगे तो वो भी जीरो होगा लेकिन वो लेस देन जीरो पे हम सेकंड डिफरेंशिएबल मैक्सिमा के लिए जीरो वन बाय टू की सारी नेबरहुड में जीरो ही आ जाएगा, तो इसको मैक्सिमम वो सकते हैं सारे जीरो हैं। नहीं सर जीरो बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? तो अपने ग्राफ बनाया था उसके हिसाब से एट एक्स इज इक्वल टू हाफ मैक्सिमा है तो जीरो भी दे देगा, उसमें तो कोई नहीं। मैक्सिमा से मतलब जानते हो बाकी पॉइंटों पे वैल्यू नहीं आएगी, या तो लेस आएगी या इक्वल आएगी। मैक्सिमा का मतलब यही तो है ना कि उसके नेबरहुड में वही सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, बाकी वैल्यू आएंगी तो बराबर आएंगे छोटी आएंगी। तो जीरो फंक्शन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। आपकी आवाज नहीं पहुंचती भाई, व्यर्थ एनर्जी वेस्ट ना करें। आगे फंक्शन का एडिशन आएगा इसमें, इसको बता दें अगर करेगा भी कोई एक्सप्लेन इस बात को। कोई बताएगा इस पर लगाएंगे कैसे, ये पूछ रहे हैं सर। तो दोबारा करेगा कोई कॉपी कर दो सर एक बार, तो कि नेबरहुड में हम देंगे तो सारी जगह हमारे पास जीरो वैल्यू देगा वो, तो उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, सारी जीरो है तो वन बाय टू को हम मैक्सिमम बोल सकते हैं जीरो वन बाय टू, यही है। हाँ बिल्कुल यही है। देखो ये रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, पहले तो बात तो आपको लोकल में मैक्सिमा की बात क्लियर होनी चाहिए, लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट ए मीन्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। बात क्लियर हुई? यस सर। क्योंकि ए के इर्द गिर्द है जो ए पर मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन, बाकी हर पॉइंट पर उससे तो वैल्यू लेस है या इक्वल। सर एक लॉजिक और है। हाँ जी दी सर, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर जो टेंजेंट खींची जाती है उन पॉइंट पे वो बिल्कुल पैरेलल होती है, स्लोप स्लोप जीरो मतलब नहीं, तो मतलब नहीं यार, वो पता कहाँ यूज होती है, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जैसे मोड एक्स है वहाँ तो नहीं होगी। अगर आप मोड एक्स लेते और फंक्शन लेते माइनस वन टू वन, वहां तो आप माइनस वन टू टू है मान लो, टू पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है, कहां से ये आवाज रिपीट होती है आप क्या? तो यहां तो आप यूनिट टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस नहीं खींच सकते, तो वो डेफिनेशन वहां लागू होती है जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है ना, तो जीरो में कोई
आया नहीं है, जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो जीरो फंक्शन क्या होता है, तो सबको जीरो पे लेके जाए तो ये तो होल्ड करेगा। ये तो होल्ड करेगा, होल्ड करेगा तो जीरो फंक्शन जाएगा, जीरो फंक्शन तो जीरो वैल्यू दे रहा था हर मिनट का। ये आवाज कहाँ से रिपीट हो रही है यार, केसी को मजा दो थोड़ा सा, कहाँ से हो रही है एक्सी एक्स तो फंक्शन ले लें अगर फेल हो रहा है तो काउंटर देना पड़ेगा, पास हो रहा है तो क्लोजिंग देना पड़ेगा, क्लोजिंग देना पड़ेगा। हाँ जी तो वॉल्स कर ले लें, तो एग्जांपल होगा काउंटर देने का एक्स प्लस वन बाय टू वॉल्स के ये एक्स टू ले देंगे सर, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर इसमें बिलोंग नहीं करेगा ना, तो मैक्सिमा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो लोकल मिनिमा आएगा। यस यस सर, सही, सीधी बात है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन का वन बाय टू पर लोकल मैक्सिमा है तो माइनस एफ का एफ लेके चलिए सेकंड से, तो इसका मतलब है एफ हैज ए लोकल मैक्सिमा। ये आवाज आ रही भाई, सुमिता बोल रही है सर, और स्केलर ले ले माइनस वन ले ले फील्ड से, तो माइनस वन एफ मतलब माइनस एफ, तो माइनस एफ हैज ए लोकल मिनिमा वन बाय टू, देयर फोर जो माइनस एफ है वो बिलोंग नहीं करेगा सेकंड से, तो ये वेक्टर स्पेस तो बनाएगा नहीं। अब एडिशन वाला देखो, क्या एडिशन वाले के लिए कोई काउंटर काम करेगा, एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें और जी एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो रेंज तो जीरो वन होगी ना सर इसकी, सर एक लेना मोड ऑफ टू माइनस टू एक्स और एक है मोड ऑफ वन बाय टू माइनस थ्री एक्स, कितना एक तो मोड ऑफ टू माइनस टू एक्स, हाँ ठीक लिया ये भी, दूसरा लिया मोड ऑफ वन बाय टू माइनस थ्री एक्स, बट ये तो रेंज से बाहर हो गया सर जीरो पर, टू हो गया ये तो जीरो पर से बाहर हो गया, जीरो पर टू उसमें यही दिक्कत बोल रहे ना कि रेंज और डोमेन दोनों ही जीरो से, हाँ तो वन पड़ेगी सर वन माइनस प्लस एक एग्जांपल लेंगे सर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, क्या बोला एक्स और वन, तो इसका लोकल मैक्सिमा जीरो टू वन हाफ पे थोड़ी है, वन पर है वो देना, देखो वन बाय टू से थोड़ी बड़ी वैल्यू ली लगभग पॉइंट फाइव है, आप पॉइंट फाइव वन ले लो उससे बड़ी आ जाएगी गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसा एग्जाम्पल ले नहीं सकते, वन बाय टू प्लस एक्स डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पर, थ्री बाय टू आ जाएगा वन पे, सिंपल एक वन बाय टू लेते हैं, एक मोड ऑफ वन बाय टू माइनस थ्री लेते हैं, वन बाय टू ले नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम तो बन रहा है, हाँ ले सकते हैं एडिशन करेंगे फिर वन बाय फोर माइनस थ्री एक्स, एफ एक्स वन बाय टू ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि चाहे वन बाय टू ले लो वन बाय थ्री कुछ मर्जी ले लो क्योंकि वन बाय टू पे लोकल मैक्सिमा है। दूसरा कौन सा कह रहे हो, मोड ऑफ वन बाय टू माइनस थ्री एक्स, सर वन बाय टू एक्स भी अगर लेते हैं
जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा, जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगी। क्यों? ये तो ले सकते हैं ना, ये ले सकते हैं जी, अरे दो पे दे देगा बाहर। क्यों? वन बाय टू मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी इसकी, जीरो पे आएगी सर। हाँ जीरो पे आएगी, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। और कौन सा लोगे सर? वन माइनस वन बाय एक्स, वन बाय टू बाय फोर माइनस वन बाय टू माइनस, ये ले सकते हैं, ठीक लिया। वन पे जीरो सही है, फंक्शन डिफाइंड है यहाँ तक। और वन बाय टू पे क्या मैक्सिमा है? फर्स्ट डेरिवेटिव किया, वन माइनस टू एक्स तो दिया क्रिटिकल पॉइंट ना भाई। सेकंड डेरिवेटिव माइनस टू आया, लोकल मिनिमम है, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। हाँ नहीं सर, अब इन्होंने फंक्शन का सम करना, और सर आप इसको चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम मिनिमम दे देगा ये तो क्रिटिकल पॉइंट वही आएगा, डबल डेरिवेटिव वही आएगा। ऐड करने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ा, फेवर में जाएगा ना ये तो। नहीं तो सर सही है ना, क्लोज अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं कि नहीं है, फेवर करने के बाद एक एग्जांपल से आप थोड़ी कह सकते हो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल फेवर कर रहा है। वही तो मैं बोल रही थी सर, क्या नेगेटिव आगे लेके ले सकते हैं आप? बोल रहे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, इसमें नहीं आएगा ये, इसके तो वैसे बन रहा है लेकिन नहीं आ नहीं रहा इसमें। सर आपने क्या बोला? सर माइनस एक्स ले लेते हैं ना, माइनस एक्स होल्ड नहीं करेगा ना सर, माइनस एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर वो भी नहीं करेगा ना, माइनस एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे। हाँ तो ले सकते हो डबल डेरिवेटिव, फिर एक्स माइनस वन बाय फोर दोनों का सम करेंगे, वन बाय फोर आ जाएगा। हाँ देखो किस पे लोकल मैक्स किस मैक्सिमम दे रहा है, करिए दोनों को सम लेके। सर इसका डबल एफ डैश एक्स, जो एफ एक्स इज इक्वल टू हमने माइनस एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर लिया है ना, सर इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। कैसे? फर्स्ट टाइम एक्स रेस टू द पावर एन लगाया, फर्स्ट टाइम आ जाएगा टू इनटू माइनस एक्स प्लस वन, रहने दीजिए मैंने गड़बड़ कर दिया। ये आएगा ना, ठीक तो किया है। अच्छा सर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सर ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। हाँ मैंने सही लिया था वन बाय टू माइनस एक्स वाला, पर वो उसमें रेंज में कर रहा था जी सर, इसमें क्या गलती आ रही थी कर रहा है? वन बाय टू पे जीरो दे रहा है सर,
वन पे वन बाय फोर आएगा, हाँ हो जाएगा ठीक है, ये ले लिया, सही ले लिया। वन बाय टू का मैक्सिमम कहाँ आ रहा है सर इसमें? नहीं उस वाले में माइनस एक्स प्लस वन बाई टू के होल स्क्वायर, नहीं आया ये, आ तो जाएगा वन बाय टू मैक्सिमम, क्योंकि जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा, टू वन बाय टू माइनस एक्स माइनस आ गया, सेकंड डेरिवेटिव कितना लोगे फिर प्लस का आ जाएगा भाई, लोकल मिनिमा सर ऊपर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो अभी जीरो आ गया, वो वन बाय टू कर रहे हैं सर, जो आपने एफ एक्स पहले लिया था ना माइनस एक्स हाफ ले लें, लोकल मैक्सिमा हाफ पे है, जी को भी क्या ले लें हाफ ले लें, लोकल मैक्सिमा है हाफ पर है ना, लेकिन दोनों का जब सम करेंगे तो उसका भी लोकल मैक्सिमा हाफ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटर नहीं होगा तो फेल करेगा, क्योंकि इसको एच मान लो ना, एच एक्स क्या है वन है, इसका तो लोकल मैक्सिमा हर पॉइंट पर होगा ना, ये फेल नहीं करेगा, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू हाफ पर, तो ये होल्ड कर जाएगी उसमें, जीरो तो होगी इस, होगी इसके पास थर्ड के पास, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज हो जाएगा ये, ये हो जाएगा। आर से तो कुछ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर एक फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो लोकल मिनिमा आ जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करो कॉन्स्टेंट आएगा, लोकल मैक्सिमा है मिनिमा दोनों आएंगे, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी लोकल मैक्सिमा रहेगा उस पॉइंट पर, ठीक है ना, तो ये थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें होल्ड कर जाएगी। अब है क्या अंडर एडिशन क्लोज होगा कि एक पॉइंट पर तो लोकल मैक्सिमा हो फंक्शन का, दूसरे पॉइंट पर लोकल मिनिमा हो और जीरो आ जाए सम करें, तो सर तो हो जाएगा जीरो आ गया, तो जीरो तो हमें सम करना है ना कि उस पॉइंट पर उन फंक्शन के सम का ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है ना, अगर हम ये काउंटर दे दें आप उधर तो वो ठीक हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर ना लोकल मैक्सिमा क्या, उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, क्या कंडीशन दिखानी पड़ेगी, दो फंक्शन देख रहे हैं ना, एक तो फंक्शन एक पे तो लोकल मैक्सिमा हो और दूसरे पे लोकल मिनिमा हो, हम सम करें ना तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा हो, ये दिखाना पड़ेगा। काउंटर दे सकते हैं और तो कोई चारा नहीं है, रिजल्ट साबित करना है प्रूफ करना तो लॉजिक देना पड़ेगा, ए फंक्शन इज कॉल्ड यूसी फंक्शन इफ इट इज आइदर नंबर वन ए फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप नंबर वन एक्स की पावर एन, जितने भी इस तरह के फंक्शन होंगे सारे यूसी फंक्शन होंगे, एन क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर और साथ में यूनियन किसके साथ जीरो के साथ, यानी कि एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री ऐसी होगी, यानी कि वन एक्स एक्स स्क्वायर
जितने सारे फंक्शन है ये यूसी फंक्शन है, ये डेफिनेशन है यूसी फंक्शन है। और चलिए अब यूसी फंक्शन कौन से हैं फर्स्ट टाइप के। ओके सेकंड टाइप e रेज टू पावर ए एक्स, जहां a क्या है नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, यानी कि e की x, e की 2x, e की माइनस x, e की रूट, e की रूट 2x, ये सारे के सारे फंक्शन क्या है यूसी फंक्शन है। थर्ड साइन बी एक्स प्लस सी, वेयर बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड बी क्या होगा नॉन जीरो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स, साइन 2x प्लस 3, b नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब x पक्का प्रेजेंट होना चाहिए। सही इशू समझ में आ गया। यस सर। फोर्थ cos bx प्लस bc क्या है कॉन्स्टेंट, इसमें b क्या है नॉन जीरो, यानी कि अभी तक हमने तीन तरह के फंक्शन यूसी फंक्शन पढ़े, चार तरह के, एक तो एक्स की पावर में, एक ई की पावर में, एक साइन, एक कोस। तो ये चार तरह के फंक्शन क्या है यूसी फंक्शन। ठीक है, ये टाइप वन में पढ़े, टाइप टू में अगर यहाँ तक हो क्लियर तो हम आगे चलें। यस सर। वैसे ये ऑप्शनल आपके पास इसका लगाना जरूरी नहीं है, पर कई बार इसका चुनने का क्वेश्चन रहता है तो जरूरी है हमारे। अदरवाइज आप है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मिनट एक मिनट, एक स्कूल आया मैं इम्पोर्टेंट करूं। ए फाइनाइट, इस वर्ड में ध्यान देना, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस ऑफ दीज फोर टाइप्स, जो ऊपर किए थे, मतलब ऊपर जो फंक्शन दिए थे आपके पास कौन कौन से, एक्स की एन, ई की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी, कोस बी एक्स प्लस सी, इनकी क्या हो फाइनाइट प्रोडक्ट का। ठीक है, फाइनाइटली मैंने उठाओ इसमें से उनकी प्रोडक्ट करो, जैसे एग्जांपल आप उठा लो एक्स स्क्वायर ई की थ्री एक्स, पहले दो उठा के प्रोडक्ट कर दी, आप उठा लो एक्स साइन टू एक्स प्लस थ्री, आप उठा लो e की 3x cos 4x plus 5 and so on, तीन भी उठा सकते हो आप, चार भी उठा सकते हो। समझ में वाली बात, लेकिन सारे क्या होंगे उसी फंक्शन होंगे। अब ये मेथड कब अप्लाई होता है, मेन बात ये मेथड कब अप्लाई होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फेज है, मरहला इसका कौन सा है। देखो द मेथड ऑफ यूसी इज एप्लीकेबल only when
द नॉन होमोजीनियस, द नॉन होमोजीनियस फंक्शन इज ए फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूसी फंक्शंस. नॉन होमोजीनियस फंक्शन कौन सा होगा? राइट साइड वाला, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं वो वाला क्या हो? फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन हो. मतलब यूसी फंक्शन कितने लेने हैं? फाइनाइटली मैनी, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो तो हम क्या बोलते हैं? ये मेथड अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कब होगा कब नहीं होगा. ठीक है, हर बार लागू नहीं होगा. ये तभी लागू होगा जब आपकी राइट साइड है वो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन है यूसी फंक्शन. Undetermined coefficients. अब एक यूसी सेट. यूसी सेट क्या होता है? कंसीडर a UC function f the set of functions the set of functions consisting of f itself usme ek to f khud nazar aana chahiye and all linearly independent और सारे के सारे linearly independent जो UC functions है. जिनका of which the successive लगातार जब डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एफ आर आइदर या तो वो कॉन्स्टेंट मिले कॉन्स्टेंट मल्टीपल्स और लीनियर कॉम्बिनेशन is called the UC set of F. या तो उनका सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या मिले? कॉन्स्टेंट मल्टीपल मिल जाए या लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाए यूसी फंक्शन का, तो उस सेट को हम बोलते हैं यूसी सेट. ठीक है, ये बात ऐसे क्लियर नहीं होगी, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगी. एग्जाम्पल मान लो आपका फंक्शन है एफ एक्स एक्स क्यू में, तो मुझे इसका यूसी सेट बनाना है. तो ट्रिक रहती है इसके सारे सक्सेसिव डेरिवेटिव ले लो एफ के. जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया थ्री एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट लिया सिक्स एक्स, नेक्स्ट लेंगे थर्ड सिक्स, लेकिन जैसे ही फोर्थ लिया जीरो, यानी कि डेरिवेटिव एन एथ जीरो होगा फोर ऑल एन ग्रेटर देन थ्री, तीन के बाद सारे डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे. देयरफॉर यू सी सेट ऑफ एक्स क्यूब इज क्या बनेगा? तो खुद फंक्शन एक्स क्यूब ले लिया,
फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि सारे एल आई है, ये एल आई है तो लिखा तो हुआ है ऑल एल आई एफ इटसेल्फ के साथ, तो वो क्या बनेगा, यूसी सेट बनेगा। हेलो सर, हाँ जी हेलो, कांस्टेंट के बाद क्या लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, आर आइदर कांस्टेंट के बाद क्या लिखना है, कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक सर। कंसिस्टिंग इतने मोती है तो प्योर की लिखाई करो, समझ में नहीं आ रही, कभी तारीफ कर दिया अगर लिखाई लिखा बहुत इकट्ठा करके आएंगे। हेलो सर, हाँ सारे मोती इकट्ठे हो गए सर, मैं लिख दूं x क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इसकी कॉम्बिनेशन है ये इसका, और क्या खेली है इसको 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 और इस फिर प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी फंक्शन में या ऑलवेज यूसी फंक्शन, एक्स स्क्वायर यूसी फंक्शन है, साइन एक्स यूसी फंक्शन है, ठीक है ना, आप एक बार दोबारा साइन के उसके तो वो बन जाएगा। आप लिख के दिखाना, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, x sin x के यूसी फंक्शन लिख के दिखाओ, सेट किसे x sin x का यूसी सेट लिख के दिखाओ, x sin x x cos x मतलब पहले तो एडिटिव लिख लेंगे, फिर x cos x हो जाएगा, दोबारा लिखोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन वो इसमें मर्ज हो जाएगा, इसमें पड़ा है तो ये लिखेंगे साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स और cos x, अगला cos x यहाँ स्टॉप हो जाएगा, हाँ ये यूसी सेट है, ये अगर साइन का करोगे कोस आएगा मर्ज हो जाएगा इसमें, अगर कोस का करोगे माइनस साइन आ गया यहाँ मर्ज। सर कांस्टेंट को नहीं लिखना है ना, लेकिन सर सबसे पहले एक्स क्यूब वाले में कांस्टेंट लिखा क्यों गया, आपने सिर्फ उसमें लिखना है एक्स की पावर वाले में, अच्छा एक्स पावर वाले लिखना है, क्या कह रहे हो, ये बोल रही हूँ कहीं ना कहीं जो एक्स रेस टू दी पावर एन वाले हैं वो रुक जा रहे हैं फंक्शन एडिट डेरिवेटिव बाद तो, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रुकेंगे नहीं ना, देखो सीरियल नंबर, ये लॉजिक याद रखना बस, यूसी फंक्शन और यूसी सेट, जैसे पहली बार में मैं एक्स की एन का लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले एक्स की एन आएगा, डेरिवेटिव आएंगे इसके, मैं एन को क्यों ढूंढूं आगे, फिर एक्स की एन माइनस टू, लास्ट में क्या आएगा एक्स और बिल्कुल लास्ट में वन, ये पूरा एल आई है, सक्सेसिव डेरिवेटिव ले लिए इसके, समझ में आ गया, अच्छा अगर ई की एक्स का लेना हो सिर्फ ई की एक्स आएगा, हाँ सिर्फ यही आएगा क्योंकि ए बाहर आएगा, मैं उसको तो साथ में लेके चलूं, सेट को एल आई रखना, ये मोटो है हमारा, हाँ ये मोटो है, अगर साइन बी एक्स का रखो साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, हाँ बस ये अगर कोस भी एक्स का लिखना हो यही आएगा
अच्छा अगर आपको लिखना हो x की n e की x का x की n e की x x की n के डेरिवेटिव करते जाओ एक एक कम को ऐसे लिखते जाओ फाइनल x माइनस वन e रेस टू द पावर ax अप टू v e रेस टू द पावर ax ठीक है अगर आपको लिखना हो x की n साइन बी एक्स क्या आएगा पहले x की n साइन बी एक्स फिर एक कम x की n माइनस वन साइन बी एक्स करते रहो ऐसे कहाँ तक साइन बी एक्स तक फिर से करते रहो कोस बी एक्स ठीक है ना साइन बी एक्स का हो जाएगा कोस बी एक्स और एक्स की एन कोस बी एक्स फिर एक्स की एन माइनस वन कोस बी एक्स एक्स कोस बी एक्स ठीक है ऐसे समझ में आए कैसे लिखे हैं हाँ क्योंकि उन सबके दोबारा दोबारा डेरिवेटिव चाहिए ना सबके तो ये यूसी बनेंगे इस पर लिख के दिखाइयो एक e की 2x साइन 3x का यूसी सेट लिख के दिखाओ आप सोचो राइट इट्स यूसी सेट अब आप x बताओ क्या हम इसके ऊपर यूसी मेथड लगा सकते हैं लगा सकते हैं देखो क्या लिखवाई थी राइट हैंड साइड नॉन होमोजेनियस है हाँ राइट साइड नॉन होमोजेनियस है ये है क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है यूसी सेट की यस सर यूसी सेट यहाँ पर क्या है ये है साइन एक्स कॉस वी एक्स होगा हाँ बिल्कुल होगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है क्यों है क्योंकि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड को माइनस 10 से थर्ड को 0 से तो जब भी सिचुएशन का होगा तो हमेशा अप्लाई हो जाएगा ठीक है इसका मैथड करते हैं हम कल क्योंकि मेरे पास बात कर रहे हैं लेट हो जाऊंगा नहीं तो मैं